बड़वा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिवर एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो जितेंद्र सिंह परमार द्वारा बड़वा उप जेल में पहुंचकर विधिक सहायता के तहत बंदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट पेशी पर उपस्थित रहने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया गया। न्यायाधीश जोशी द्वारा बंदियों को प्री बार्गेनिंग के माध्यम से 3 वर्ष से कम अवधि की सजा के अपराध में अपराध स्वीकार कर मुक्त होने के वयस्क बालक बालिका के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों के संबंध में जानकारी देकर ऐसे अपराधों से दूर रहकर अपना सामान्य जीवन बिताने के बारे में बताया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की पेशी होने से अधिक पेशी का लाभ मिल रहा है। बहुत बार पुलिस बल की उपलब्धता न होने से बंदियों को न्यायालय में पेशी पर नहीं ले जा पाते, जिससे न्यायालय में बयान नहीं हो पाते। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक उत्तम उपाय बनकर सामने आया है। उप जेल बड़वा के जेलर श्याम वर्मा ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्हें बंदियों को बाहर ले जाने और उनके भागने के प्रयास जैसी समस्याओं से खतरा नहीं रहेगा। जेल के अंदर बने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बंदियों के कक्ष में ही पेशी हो जाती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 23 जनवरी को जबलपुर जेल से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस के सेठ 23 सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ई कोर्ट विधिवत शुभारम्भ करेंगे। ई कोर्ट से प्रदेश में लगभग 2000 पुलिस जवानों को बंदियों को कोर्ट पेशी पर ले जाने से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय कोर्ट के अतिरिक्त जिला संभाग और दूसरे प्रदेशों में भी मुलजिम की पेशी पर नहीं ले जाना पड़ेगा। बंदियों के भागने की घटनाओं में भी कमी आएगी। प्रदेश के कुल 11 सेंट्रल जेल, 40 जिला जेल व 75 सब जेलों में 150 कोर्ट रूम तैयार किए गए हैं। जी सर, सोमवार और शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार को आ रहे हैं दो व्यक्ति, तो उनको आप अपनी जानकारी बताएं। अधिवक्ता नहीं है तो अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुई है, उससे हम लोगों को बंदियों को लाने ले जाने जो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेनिफिट हुआ है। बीच में ऐसी शिकायतें आती कि बीच में से फरारी या अन्य घटना घटित होती है, तो उससे बचा गया है। और सेकेंडली, जेलों के आने जाने में जो अनावश्यक वर्डन होता है वो भी हमारा कम हुआ है। आने वाले समय में बंदियों को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा, उनको जल्दी जल्दी न्याय भी मिलेगा और जल्दी डिसीजन भी होगा। सनावास से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।